धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया और 17वीं लोकसभा में पहली बार में अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय को आपकी अनुमति से उठाने जा रहा हूं। महोदय, मैं बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं, जो पूरा का पूरा इलाका पठारी है और जहां जमीनी तपिश, अत्यधिक तापमान, प्रचंड लू चलने वाला और भूजल के अभाव वाला इलाका है। देश में जल की कमी को महसूस करते हुए इस गंभीर विषय पर अपना संज्ञान लेकर और इस दिशा में ठोस कार्रवाई के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल शुरू की है। इसके लिए एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी हुआ है। लेकिन आज अखबारों में मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा देश के लगभग 300 जिलों के लगभग 1600 प्रखंडों को चिन्हित किया गया है जो जल क्षेत्र के अभाव वाले इलाके हैं, जिसमें हमारे बिहार के हमारे संसदीय क्षेत्र का आधा हिस्सा जो गया जिले में आता है। गया जिले का नाम तो है लेकिन औरंगाबाद जिले का नाम उस सूची में नहीं है, जबकि हमारे यहाँ लोगों को 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। अब पानी का कोई विकल्प नहीं है, भूजल इतना नीचे चल गया है, उसका स्तर इतना नीचे चला गया है कि हैंडपंप सारे के सारे लगभग सूख गए हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से, जलदाय मंत्रालय से ये निवेदन है, आग्रह है, मांग है कि औरंगाबाद जिले को भी उस सूची में शामिल किया जाए ताकि वहाँ पीने के पानी का प्रबंध भारत सरकार की उस योजना के माध्यम से हो सके। धन्यवाद।